कालकी धर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की इस पवित्र धरती से सतगुरु जी के अनन सिख जिन्होंने सतगुरु जी ने बहुत बड़ा दर्जा बख्शिश किया भाई नंद लाल जी के नाम के उत्ते इस स्कूल दे विच सारे सत्कारयोग संत बाबा तेजा सिंह जी खुडे वाले संत बाबा सुचा सिंह जी किला आनंदगढ़ वाले संत बाबा अवतार सिंह जी टिब्बी साहब हरखोवाल वाले उन्हां दे नाल बाबा जरनैल सिंह जेडे सिंह साहब जी दे भराता जी बाबा दलवाग सिंह जी और बहुत ही सत्कारयोग मेरा छोटा वीर सरदार अमरजीत सिंह चावला क्योंकि झल भी हुंदा ते पुराना झल फेडरेशन वालिआं नूं आ हुण तां शायद अलोप हो रहा हौली हौली उन्हां दे नाल साडे सकत्तर सिख्या सरदार सुखमिंदर सिंह जी और साडे डायरैक्टर सिख्या स्कूल बीबी सतवंत कौर जी और बहुत ही सत्कारयोग साडे कनेडा तों आए वीर सरदार सरदूल सिंह जी और उन्हां दे नाल सरदार अजैब सिंह जी चट्ठा जिहड़े चेयरमैन जगत पंजाबी सभा कनेडा तों आए आ बहुत ही सत्कारयोग बख-बख स्कूलों तो प्रिंसीपल साहिबान
लैक्चरार साहबान ते बहुत ही सत्कारयोग विद्यार्थियो बच्चियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कलगीधर पातशाह जी ने एक बारी हाथ विच पत्थर चक्या, वो पत्थर नदी दे विच सुट दिता। सारिया नूं पुछया पे ये पत्थर डुबा क्यों, सारिया ने अपने अपने विचार दिते। किसी ने कहा भारा सी पानी ते तर नहीं सी सकदा। जिले भाई नंद लाल जी की बारी आई, कहिंदे भाई साहब क्यों डुबिया पत्थर, कहिंदे सतगुरु जी जिहड़ा तुहाडे हथों छुट गया उन्हें डुबना ही डुबना। ये गुरसिखी की सतगुरु जी ने सानू इस धरती के उत्ते हीरे बख्शिश किए जिन्हों पंज प्यारियां दा मान सी। और उस वेले मेरे तो बाद तुसी सारे जानते हैं कि वह पंज प्यारियां दी चोण उन्हां दब्बे ते लताड़े होए ऊंच नीच ग्रसे होए उन्हां लोकां दे विचों सतगुरु जी ने पंज हीरे कढ़े और उन्हां तो पंजां नूं आप अमृत दी दात बख्शिश करके सतगुरु जी ने गुरु ते सिख दा जिहड़ा वह फासला वह भी गब्बियों खत्म कर दिता। आप भी पंजां पासों खाने पाटे की पौल लई। ये साडा पवित्र इतिहास आ जिहदे सिर ते असीं जीव रहे हां। अज फिर उही ऊंच नीच दे फासले मिटाउण दी थां मौके दीआं सरकारां मुड़ के ग्रस रहीआं, मुड़ के जात पात नूं उत्साहित कर रहीआं जिथों सतगुरु जी ने सानूं वरतिआ सी। अज एक पवित्र दिहाड़ा वह भी आ, अज 15 नवंबर 2022 102 साल हो गए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना में। अज बड़ा उत्थे प्रोग्राम श्री दरबार साहब भी सीगा, पर क्योंकि पहला प्रोग्राम तय सी उत्थे साडे जनरल सकत्तर साहब वो उत्थे जाके उस अज दे इस सोहणे समें दे विच जाके सुशोभित होए। और जिहड़े साडे बजुर्ग उन्होंने किड्डा बड़ा सुपना लिया सी इस कार्य लई नहीं सी चौधर लई, केवल दा केवल धर्म की आजादी, जिस आजादी का आपां अज निक मान रहे हाँ ये उन्हां दा सुपना सी। और उस सुपने दे विच बहुत बड़ा संघर्ष करना पिया। और याद करो वह भी समा जदों तरन तारण तो एक दूसरे धर्म नाल संबंधित वह बच्ची उहदा पिता नाल आ के गुरु खालसे दे चरणा च अरदास कीती, मेरना बेपती मेरी बेटी दी कीती। तरन तारण दे महंता ने गुरु के सिखा ने अरदास कीती, श्री अकाल तख्त साहब तो प्राण करके अपने प्राण तां दे दिते पर महंता तो कब्जा जिहड़ा उह लै लिया। और इसे तर्ज दे सारे ननकाणा साहब दा चाहे वह साका देख लईए। और उस साके दे विच भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली छोटा बच्चा भी उन्हां दा नाल उन्हें भी उत्थे शहीदी प्राप्त की। ये साडियां विलखण पैड़ां गुरु साहब ने सानू बख्शिश कीतियां। एक्ट भावें पहला बन गया सी पर साडे बजुर्गां दी देखो दूर अंदेची। जेले गुरु के बाग दा मोर्चा लगा, पंजा साहब दा साका वरतिया, उस वेले सरकार ने कमेटी नॉमीनेट कीती, गुरु के सिखां ने एक्सैप्ट नहीं कीती। उसे वेले संघर्ष कीता, सरकार दी बनियो कमेटी तोड़ी ते उस वेले अपनी कमेटी जिहड़ी वह नॉमीनेट करके उन्हां दे अहुदेदारां दी चोण कीती। 1984 च भी इदां ही होया सी। उदों भावें पवित्र श्री अकाल तख्त साहब जी दी उस बिल्डिंग नूं ढह ढेरी कीता और बनाया भी सरकार ने, पर पंथ ने अक्सैप्ट नहीं कीता। सारी थल्यों तक तुहानूं चेता होना 1986 दे विच सारी ढा के मुंडियों थड़ा साहब भी तुसीं देखिया होना, दर्शन किए होने आ, वह सारा ढा ढेरी करके मुड़ के चढ़दी कला दे नाल कार सेवा राही वह जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की बख्शिश उन्हों सारा मुड़ के नवे सिरों तो सारी की। पर अज मैं देखदा इमारतां बहुत खूबसूरत आ, मेरे वर्गे शरीर भी आ, मेरे तो कोई चंगे भी शरीर आ, पर अंदरला शरीर मुर्दा हो चुका। मानसिकता जिहड़ी गुरु साहब जी ने खंडे बाटे की पौल दे नाल जगाई सी वह अज साडे ते असर नहीं कर रही। क्यों नहीं असर कर रही, केवल दा केवल गुरबाणी तो सखणे हो गए। गुरु का सिख अमृत वेले उठदा
नींद प्यारी होंदी आ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖੰਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਓਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਲੇ ਆਹ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੋ ਵਜੇ ਡਾਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀਗਾ ਗੱਤਕੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਫੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਲੇ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਆ, 12 ਗਾਇਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਖੇਡਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੋਲੇ ਪਾਇਓ ਆ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਇਓ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਿੱਗਰ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੌਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸੀ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 108 ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਹੋਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 11 ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 258 ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਰੋਫੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂਹੀਓ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਕਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, 8 ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ 8 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੌਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ 102 ਸਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ।
पर पहला भी बिफोर पार्टीशन देखिए 1947 तक भी जतन कई बार होए पर गोरे सी देखते सी कौम ना पंगा ना लीए और उन्होंने सारा समा जेड़ा सगा वो अपने झगड़िया तो लांभे गुजा जे पार्टीशन होई सब तो बढ़ कुर्बानियां साडियां ते होया कि सब तो ज्यादा धर्म के विच भेड़ साडे नाल 1973 तक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पाकिस्तान के गुरद्वारों का भी प्रबंध करती सी जंग लग गई दूरियां बढ़ गई गुरद्वारे पवित्र धाम सातों बिछड़ गए जे इस पवित्र धाम से मैं कह सकदा गुरसिखी जिहड़ी आ इहदा जन्म पाकिस्तान की धरती ननकाणा साहब विच होया पंजा साहब विच होया पर ये बूटे नूं प्रफुल्लित किया पंजाब की पवित्र धरती जिस धरती सुल्तानपुर लोधी तो सतगुरु जी ने एक ओहकार की उचारना मूल मंत्र की करके गुरु साहब जी ने अकाल पुरख की परिभाषा ते ये सारी धर्म की सानू सोझी बख्शिश की। सो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अज भी तोड़न का यतन किया जा रहा अज वख वख रूपां दे विच हमले हो रहे आ पहला हरियाणे दे विच हमला होया हरियाणे की कमेटी वखरी बनाई और उहदे विच मैं देख रहा साडे सिखां दी भरा मारू जंग जिहड़ी अज जारी आ उह इस करके जारी आ कि उह सरकार कदे एक नूं चकदी आ कदे दूजे नूं चकदी आ कदे तीजे नूं चकदी आ इह आपां नूं सोचणा पऊ कि सरकार की आपां इह कुटल नीति दे किते शिकार ना हो जाइए। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का भावें छोटा हिस्सा 11 मैंबर चुने जाते हैं पर एक संबोलिक तौर पर सानू ये इशारा आ कि सिखां दी शक्ति नूं खोरू खेरू करन दा अज कोझा जतन किया जा रहा। आ पिछली इलैक्शन हुई तुसीं सारिआं ने देखिआ होणा किस पद्धर ते टैरर पाया सी किस पद्धर ते पैनिक कीता सी मैंबर साहिबानां नूं ते उह मैंबर साहिबानां दा सिदक नहीं डोलिआ उन्हां मैंबर साहिबानां ने पंथ दे नाल खड़े हो के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल खड़े हो के श्रोमणी अकाली दल दे नाल खड़े हो के उह पुरानी जिहड़ी पिरत जिहड़ी गुरु साहिब ने सानू बख्शिश कीती सी मेरा सिर जाए तां जाए मेरा सिखी सिदक ना जाए वह पिरत नूं भी बरकरार रखिआ। अज किंतू करन वाले बहुत कुछ कह रहे आ कि अंदर डके आह कीता उह कीता मेरा जाणा उधर नूं फर्ज नहीं बनता पर कौम समुचे तौर पर जानती आ कौन अंदर गया कौन बाहर गया किहदी डोर कित्थों खिच हुंदी सी किहड़े इशारे हुंदे सी पर मैं कौम नूं मुबारकबाद दिना मैंबर साहिबान का धन्नवाद करदा श्रोमणी अकाली दल का धन्नवाद करदा जिन्हां ने नमाणे जै सिख ते फिर एक आस रखी गुरु साहिब कृपा करन। मैं तो अक्सर कहना हुंदा जिहड़ा इत्थे हुण भी मैं उठिया सी कि आपां आ सिर पौ दी जिहड़ी एक प्रथा साडी बहुत पवित्र आ इह सतगुरु जी ने भाई मरदाना जी का पुत्र जिसले सतगुरां दे कोल आया वे बापू जी कित्थे आ सतगुरु जी ने पता की बख्शिश किया सिर पौ दी बख्शिश की ठंडा ठार हो गया। गुरु अंगद देव पातशाह साल च एक बारी गुरु अमरदास पातशाह नूं सिर पौ दी बख्शिश करते सी वह सारा सिर दे उत्ते सारा साल बनिया जाता सी ते मेरे वर्गा इत्थों सिर पौ मिलता सचखंड चों मिलता गड्डी च सुट दिंदे आ ते मैं इस करके सारे स्कूल कॉलेज नूं पिछली बारी सर्कुलेशन भी कढ़ी सी पता नहीं इन्हां नूं चेता भुल गया आ दोई जिहड़ी घट्टो घट 200 दी आउंदी आ सिर पौ 55 रुपए मीटर 100 दा आ ट्रॉफी 400-500 दी बननी आ ते धामी वर्गा 1000 रुपये का चूना कर गया। तो आप करिए कि आ बुक्स जिहड़ियां साडे कोल आ जे आप एक निर्णा कर लईए सारी कौम कि अकाल तख्त की मर्यादा जिहड़ी छोटी 20 पेजां दी आ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਪਊ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
असी तो हम तहिया भी किया कि 22 तरीक नूं एग्जैक्टिव की पहली मीटिंग होनी है, उहदी कार एक बनाउणी आ पे किहनूं दित्ता जावे ते किहड़ा लवे, देण वाला भी वह योग समझे ते जिहनूं दित्ता जावे वह की आ सिर पाओ, सिर तों लैके पैरां तक गुरु का हो जाए। सतगुरु जी की पवित्र गुरबाणी का यह पवित्र शब्द आ। पर मैं कई बार सोचदा हरजिंदर सिंह तेरे तो हले पैर ही नहीं तुरे, सिर तू कित्थे गुरु नूं समर्पित करना। सो गुरु साहब कृपा करन, बख्शिश करन, कई गल्लां इदां दीआं साडे विच प्रचलित हो जांदीआं जिहड़ीआं समें अनुसार फिर एक शरदा बस हो के। ते मैं कई बार यह भी देखदा आ जा तू भी लै जा तू भी लै जा, जिदां बाबा टॉफी नहीं उत्थे बणदा हुंदा। ये परंपरावां आपां नूं कुछ संकोच के चलाउणीआं पैणगीआं। गुरु साहब कृपा करन, बाबा अवतार सिंह जी उस संपर्दा दे विचों, धन बाबा बिधी चंद जी जिन्होंने गुरु साहब गुरु हरगोबिंद पातशाह तो थापड़ा लैके कोई भी कार्ज आरंभिया। बंदा सोच सकता भी भट्ठ दे विच बंदा होवे, भट्ठ तपदा होवे, भट्ठ दे विच बाबा बिधी चंद जी बैठे आ, ठंडा ठार कर दिता। ये गुरु की बरकत आ जिहड़ी सानू मिलदी आ, उह पहुंचे आ संत बाबा निहाल सिंह जी वालों, ये भी जिंदा शहीद कौम दे उन्हां वालों भी सिंह साहिबान पहुंचे आ। सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, और ये भी आस करदा कि बीबी जी आ जिहड़े बच्चे ऐतकी सानू थोड़ा जिहा सकून मिलिया सारे साबत सूरत दिंदे आ, अगां तों भी आपां जतन करिए। पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा कहिंदे हुंदे सी ये बच्चे जिले चिट्टियां दस्तारां चिट्टे चोले पा के खेडदे आ, एवें ही लगदा जिवें बंगले तुरे फिरदे हो। सो ये परंपरावां दिख साडियां खालसा ही, ये सानू इदां ही जोगा जगंतर रखणियां पैणियां। इहदे विचे बरकत सतगुरु जी सानू बख्शिश करनगे। सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। अचेचे तौर ते साडे बहुत ही सीनियर आगू जथेदार सिकंदर सिंह जी मलूका, क्योंकि इधर आयो सी पतालपुरी साहब, सवेरे गल होई सी ते कहिंदे दर्शन करूं मैं दस ना सकिया भी इत्थे खालसा खेडां दा अज उद्घाटन होना। सो वह चेचे तौर ते पहुंचे आ, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। अंत दे विच अरदास भी करिए, किहड़ी अरदास? मैं तां हुण भी जिले तख्त केसगढ़ साहब ते जा के प्रधान बनण तों बाद पहली बारी गया, तो चावला साहब मेरे नाल सी, साडे हैड ग्रंथी नाल सी, ते मैं कहा मैनू सिर्फ एको ही आ पंज मूल मंत्र दे जाप करके गुरु चरणा च अरदास कर दे, आ हुण दी जिहड़ी एग्जैक्टिव बनी आ इन्हां तों गुरमत अनुकूल फैसले होण, इहो ही वड्डा सिरपाओ मेरे लई होऊगा। सो गुरु साहब कृपा करन, बख्शिश करन, कौम जिले गुरबाणी नूं अपना फलसफा बना के तुरू, फिर किसे दुश्मन की लोड़ नहीं, फिर सारे सज्जण बन जाणगे। पर जिन्ना चिर अंदर ईरखा बलदी, द्वैश अग्ञानता बलदी आ, उह सतगुरु जी ने फिर सानू दस्सिया भी सी अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी, गुर की बाणी सुनत निहाल, बिनस गए बिख्या जंजाल। आ जिहड़े पंज अंदर बैठे न कहिंदे सारे ही दूर कर दूंगा जे गुर शब्द दे नाल जुड़ जाएगा, अमृत बेला सांभ लेंगा। सोदर दा जाप करके कीर्तन सोला करके अरदास करके सौ जाएगा, गुरु गुरु करदा सौवेगा, गुरु गुरु करदा उठेगा, फिर जिहड़े दुश्मन वह भी सज्जण बन जाएंगे, सारा जग तेरा सज्जण बन जाऊ, क्योंकि जिन्हें गुरु ना सांझ पा ली गुरु फिर उन्होंने ताण ते बल उदम भी बख्शिश करता, अपनी बुकल दे विच लै लैंदा, जिहड़ी बुकल पंजम जिहड़ी दसम पातशाह जी ने इस धरती दे उत्ते संदेश दिता सी। उस वेले भी जारवान लोग सी जिहड़े कहिंदे सी अमृत बखरा तैयार करके दे दिओ, पर सतगुरु जी ने कहा नहीं, इस धरती ते एक पंगत एक संगत चलू, सारिआं नूं इक सुरता दे नाल अमृत दी दात बख्शिश करके ऊच नीच जात पात सारी मका के एक समतल ते सारिआं नूं इकट्ठे कीता। एक अंत दे विच बेनती करके तुहां तों खिमा लै लवां, सारे मैनेजमेंट वालों सारे प्रिंसीपल साहिबानां दा बच्चिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद आ। एक चेता करिओ, भाई महा सिंह जिले इत्थों तुरे विदावा दित्ता, पर अखीर जाके देखो कि को इंसीडेंट किवें चलदी आ। उस पवित्र खदराणे की ढाब के उत्ते गुरु ने सारा चोला भी लीरो लीर हो गया, पैरों के जोड़ा भी लीरो लीर हो गया, की सामभ के रखिया
वह बेदावा अपने कमर कसे च रखिया। भाई महा सिंह का भी सिदक देखो, वह चाहिया का भी सिदक देखो। गुरु को पता सी सिख ने मुड़ के मेरे को आना, सिख ने मुड़ मेरे के वापस आना। जेले गुरु साहब के कोल जाके शहीदियां सारिया ने पा लिया। भाई महा सिंह गलबकड़ी च लिया। इतिहास कहिंदा सतगुरु जी डोले नहीं कदे, पर दो नीर सतगुरु जी ने अखां तो जेले भाई महा सिंह दे मुखार बिंद ते पए, मूंह साफ किया। कहिंदे मंग ला की मंगना, कहिंदा कुछ नहीं मंगण नूं रह गया, तेरे गोदी दे विच सेरिया। पर गुरु साहब जी आ बेदावा पाड़ दे। अज सिख दा सिद्ध किवें दा चाहीदा, गुरु हमेशा ही उड़ीकदा, सिख दौड़दा, पर सिख सौ खनामी कर लै, गुरु की शरण में आ जाए। मन मेरे गुर शरण आवे तो निर्मल हो। जे गुरु की शरण में आवांगे निर्मल होवांगे, जे शरण तो बाहर रहांगे कठोर होवांगे। गुरु साहब कृपा करन। अंत दे विच सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।